नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास विषय का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो विद्यार्थियों, इस पहले अध्याय का हमने अध्ययन किया वीडियो के माध्यम से भी, टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी। अब हमारे समक्ष प्रश्नोत्तर वीडियो है। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर वीडियो लाने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर विश्लेषण क्षमता विकसित करना। बच्चों, आपकी विश्लेषण क्षमता जैसे जैसे विकसित होगी वैसे वैसे आपके अंदर रटने की प्रवृत्ति का ह्रास होगा। आप इतिहास को कभी भी रटने की दृष्टि से नहीं बल्कि तार्किक रूप से समझने का प्रयास करेंगे और विश्लेषण के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो को प्रयास किया है कि ज्ञानवर्धक भी हो और रोचक भी हो। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें हमने किन किन प्रश्नों को शामिल किया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 12 पे आपको फोकस करना है। पेज नंबर 12 पे बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल हैं और कुछ सही गलत वाले सवाल हैं। और उसके बाद बच्चों, हमें कुछ विश्लेषण वाले जो प्रश्न हैं उनका हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल। तो पहला सवाल है बच्चों, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, जेम्स मिल का यहाँ पे फोटो भी है और वीडियो के माध्यम से बच्चों मैंने जेम्स मिल के बारे में आपको बताया भी था। बावजूद इसके मैं आपको बता देता हूँ कि जेम्स मिल जो हैं वो स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये एक इतिहासकार थे, ये तो आपको पता ही है। और बच्चों, आप यहाँ पे एक मैप देख रहे हैं, एक नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा यूनाइटेड किंगडम का नक्शा है। तो बच्चों, आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ बच्चों, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप इस नक्शे में जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, जो हरा पार्ट देख रहे हैं ना, वो इंग्लैंड है। उससे ऊपर जो पीले रंग का दिख रहा है ना, वो स्कॉटलैंड है। और इसी तरह से जो गुलाबी कलर का दिख रहा है ना बच्चों, जो गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है वो है आपका वेल्स। और इसके बाद जो अलग से एक द्वीप नुमा जो दिखाई दे रहा है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न आयरलैंड जिसको बोलते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो आपने समझ लिया होगा कि स्कॉटलैंड कहाँ पे है। बच्चों, स्कॉटलैंड वैसे यूरोप में है, यूरोप का मानचित्र को आप खोल के देखिएगा। तो वैसे हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि जेम्स मिल यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, लेकिन ऐसे नहीं, हम उसको ज़्यादा क्लियर करके बताएंगे कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे। हो गया बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव का फोटो आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप उस नक्शे को भी देख सकते हैं जिसे कि जेम्स रेनेल ने बनाया था। हाँ बच्चों, नाम आपने सुना जेम्स रेनेल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जेम्स मिल और अब आ गए कौन? जेम्स रेनेल, है ना। तो जेम्स रेनेल जो है ना, अब देखिए यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का पहला नक्शा बनाने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को दी थी। जेम्स रेनेल भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। बच्चों, बहुत बड़ा पद होता है संपूर्ण भारत में सर्वेयर जनरल का, ठीक है ना। और ये एक ज्योग्राफर थे, है ना, ये भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही भारत का पहला नक्शा बनाया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ बच्चों, थोड़ा सा आपकी समझ को विकसित करने के लिए जेम्स रेनेल, जेम्स मिल और जेम्स प्रिंसेप,
ये तीनों नाम थोड़ा मिलते जुलते हैं और आप भ्रम में ना पड़ जाएं, इसलिए मैंने देखिए आपके लिए एक अलग से स्लाइड बना दिया है। जेम्स रेनेल कौन है? ये हैं भूगोलवेत्ता यानी कि ज्योग्राफर। जेम्स मिल कौन है? ये इतिहासकार हैं यानी कि हिस्टोरियन। और तीसरे हैं जेम्स प्रिंसेप जो कि विद्वान और चित्रकार हैं। सीक्वेंस में बच्चों यदि हम देखेंगे तो जेम्स रेनेल का समय पहले है, 1742 से लेकर के 1830 का पीरियड है इनका, है ना। जेम्स मिल 1773 से 1836 और सबसे बाद के हैं जेम्स प्रिंसेप 1790 से 1840। तीनों अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, सन 1782 में पहली बार भारत का नक्शा बनाकर तैयार करने वाला अंग्रेज ज्योग्राफर कौन था? जेम्स रेनेल। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड का इतिहासकार जिसने सन 1870 में पहली बार हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से भारत का इतिहास लिखा, वो कौन थे? जेम्स मिल। और एक बात बता दूं बच्चों कि हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषा है ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो भाषाओं की लिपियों को पढ़ने वाले जो पहले विद्वान थे उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो अंग्रेज विद्वान और चित्रकार जिसने सन 1837 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ पाया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप तस्वीर भी देख सकते हैं, तीनों की तस्वीर है। अब आगे बढ़ता हूँ, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? अभिलेख को जो सुंदर तरीके से लिखते हैं ना, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कैलीग्राफर, है ना, क्या कहते हैं? कैलीग्राफर। और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं सुलेख नवीस या खुशनवीस। ठीक है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वालों को सुलेख नवीस या खुशनवीस कहते हैं। बच्चों अंग्रेजी में भी आपको जानना है कैलीग्राफर शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है भारत की स्वतंत्रता के समय, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र होने को था तो अंतिम में सबसे अंत में कौन वायसराय थे? तो उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ठीक 1947 में भारत आए। उनका पीरियड है 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947। और दिन में बच्चों आपको ये भी बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के भी प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आगे है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में बनाया गया, कहाँ बनाया गया, है ना? इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों यहाँ पे आप तस्वीर को देख सकते हैं और इस चित्र को आपने बहुत पहले भी देखा होगा अपने सिविक्स के पाठ्यपुस्तक में, है ना? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में बनाया गया। तो जिस समय हमारा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन इत्यादि बन रहे थे उसी समय हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी बनाया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा। आगे है बच्चों, सही और गलत। सही और गलत, जो सही है उसमें सही का चिन्ह लगाइएगा, जो गलत है उसमें गलत का चिन्ह लगाइएगा। तो पहला सवाल है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? बच्चों कदापि नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चाय, जो मनुष्य जब चाय पीने की शुरुआत किया तो न जाने कब कहाँ किस परिस्थिति में शुरुआत किया होगा, तो एग्जैक्ट डेट तो कहना संभव नहीं है ना बच्चों। जैसे हम लोग कह देते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई अमुक तिथि को हुई थी, है ना, द्वितीय लड़ाई अमुक तिथि को हुई थी, तो किसी खास तिथि से हम चाय पीने अथवा नहीं पीने का जो तिथि है उसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। वो ट्रेडिशन में कब आया, ये तो हजारों वर्षों की परंपरा में पता नहीं कब मनुष्य चाय पीना सीख गया, तो इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं हो सकती है, इसलिए ये गलत है।
अगला है बच्चों, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करते थे। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स, है ना। ये रिकॉर्ड बच्चों हर जगह है, चाहे हमारे विद्यालय में भी रिकॉर्ड मिलता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी में कार्यालय चले जाइए, या SDO ऑफिस चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट चले जाइए, कमिश्नर ऑफिस चले जाइए, राज्यपाल के कार्यालय जाइए, जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपको एक अभिलेखागार मिलेगा, है ना। और वो कब का मिलेगा, बहुत पुराना मिलेगा, अंग्रेजों के ज़माने से मिलेगा। तो अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, जी हाँ बिल्कुल करवाते थे, तो ये सही है। बच्चों अगला सवाल है, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। पहले तो प्रश्न को आप ठीक से समझिए, जो सरकारी दस्तावेज हैं, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में, मान लीजिए आज़ादी के पहले का या आज़ादी के बाद का ही कहीं कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो उस रिकॉर्ड में क्या जनता की भावना, आम लोगों की भावना का पता आपको चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारी विधि और सरकारी नियम से जो कार्य होते हैं, उन कार्यों का दस्तावेज आपको वहाँ पे मिल सकता है, ना कि आम लोगों की सोच के बारे में मिलेगा। जैसे बच्चों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, है ना। तो उसके लिए अब अमृतसर के कोर्ट में या अमृतसर के जेल में या सॉरी अमृतसर के किसी थाने में यदि हम उस समय का कोई रिकॉर्ड हम देखने जाएंगे, तो बहुत संभव है कि सरकार के पक्ष में, चूंकि उसमें ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन क्या वो जन भावना का जो है वो एक तरह से प्रतीक होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये उत्तर गलत है। अगला है बच्चों, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। ये सही है या गलत आपको बताना है बच्चों। तो वास्तव में कोई भी इतिहासकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में अंधकार का दौर था, यानी कि ये गलत है। अब चलिए बच्चों हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे सामने क्या सवाल है। तो हमारे सामने सवाल है, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? तारीख यानी कि तिथियां, तिथियां यानी कि डेट, है ना। तारीखों का क्या महत्व है, तो चलिए देखते हैं। तारीखें यानी कि डेट्स इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे घटनाओं के बीच कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकली कारण और प्रभाव दिखाने में मदद करती है। बहुत स्पष्ट है यहाँ पे, तिथियाँ यह उल्लेख करती है कि कुछ घटनाएँ कब हुई हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कालानुक्रमिक रूप से इतिहास का दस्तावेजीकरण करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि एक घटना दूसरी घटना से पहले हुई थी, ताकि घटनाओं के बीच संबंध की जांच की जा सके। तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता है कि जनरल ओ डायर नाम का जो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो आगे बच्चों जनरल डायर के साथ क्या हुआ? क्या उसको किसी ने मारा, या कि उसने कोई आत्महत्या कर ली, या क्या कुछ हुआ? तो यदि इतिहास में यह दर्ज है कि जनरल डायर के साथ आगे ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं 13 अप्रैल 1919 की घटना से वो जुड़ा हुआ है कि नहीं बच्चों? तो बात को समझिए, तिथियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए वे महत्वपूर्ण होती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? अभी अभी मैंने जेम्स मिल के बारे में आपको बताया कि भारत का इतिहास पहली बार उन्होंने ही लिखा था। तो उन्होंने जो भारत के इतिहास को लिखते समय किन किन कालखंडों में, मैंने टाइम पीरियड में बांटा है भारत के इतिहास को, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे फोकस कीजिए। जेम्स मिल, जो कि 1773 में जन्म है, 1836 में मृत्यु है, स्कॉटलैंड के इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे।
जेम्स मिल ने 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक व्यवस्थित ढंग से रखा। इसे भारत का पहला प्रमाणिक इतिहास मान लिया गया। उन्होंने भारत का इतिहास लिखते समय भारत के इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया है, हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड। और एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जेम्स मिल को साम्राज्यवादी इतिहासकार हम लोग मानते हैं, यानी कि वो एक तरह से अंग्रेजों के पक्ष में ही लिखते थे। उन्होंने बहुत कुछ वे चीज़ें छोड़ दी हैं जो उनको लिखना चाहिए था। तो चलिए यहाँ कुछ और देख लेते हैं हम लोग। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। जेम्स मिल ने ही सबसे पहले भारत का इतिहास सन 1817 में लिखा था। मिल को साम्राज्यवादी इतिहासकार माना जाता है। यह भी सच है कि जेम्स मिल भारत कभी नहीं आया। ये गजब की बात है बच्चों, जो कभी भारत नहीं आया उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को सीधे 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इतिहास की इस किताब को लिखने में जेम्स मिल को 12 वर्ष लगे थे। यह पुस्तक उपनिवेशवादी सोच की मान्यता देती है और एक पक्षीय भी है, यानी कि इस पुस्तक का जो दृष्टिकोण है वो एक पक्षीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है, यानी कि कॉलोनियल एरा क्या होता है, कॉलोनियल एज क्या होता है। बच्चों देखिए इसका उत्तर। उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल एवं अविकसित देश पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना है। इस क्रम में औपनिवेशिक शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपनिवेशों पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण भी स्थापित करती है। बच्चों आप ऐसे सोचिए, चाहे वो भारत हो या कि इंडोनेशिया हो या कि दक्षिण अफ्रीका हो या कि सूडान हो कि केन्या हो या आप ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देशों का नाम भी आप सोच सकते हैं, जिस पर साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, इन लोगों का अधिकार था। तो इन लोगों ने उन देशों पे क्यों अधिकार किया? उन देशों पे इसलिए अधिकार किया क्योंकि वहां की जो परिसंपत्तियां थी उनका दोहन करना था इन लोगों को। तो भारत को भी यदि इन लोगों ने अपने बस में किया तो यहाँ जो परिसंपत्तियाँ थी, यहाँ से जो साधन इनको मिल सकते थे या मिले, उनको अपने नियंत्रण में रखना इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो भारत में ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग मानते हैं। बच्चों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में बसना तो नहीं पसंद किया, माने उन लोगों ने ये तो कभी नहीं सोचा कि हम यहीं रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ की संपत्ति का दोहन करते रहे, यहाँ की जो आर्थिक, यहाँ से आर्थिक लाभ वो लेते रहे लेकिन अपने देश का विकास किए। आप समझ गए होंगे कि औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं। आगे है बच्चों, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। तो चलिए देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफ़ी अहम माना गया। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, जेम्स रेनल के द्वारा। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण कराए गए। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती थी। मन एक तरह से उस देश के हर पहलू का सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन कर लेना ताकि वहाँ पे शासन करना आसान हो जाए। तो इसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स आते हैं वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे, प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, है ना। उसी तरह से बच्चों फॉरेस्ट सर्वे यानी कि वन सर्वेक्षण और सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना तो आज भी होता है बच्चों, आपको मालूम है, और ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको
जानना जरूरी था। अब आगे है सवाल बच्चों आपके सामने, अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है, यानी कि अभी अभी जो हमने आपको बताया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, तो जो जिसको आप रिकॉर्ड रूम भी कह सकते हैं, तो रिकॉर्ड रूम की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है बच्चों, अभिलेख से तात्पर्य है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखना, अर्थात दस्तावेजों को संभाल कर रखना। अंग्रेजों के ज़माने से ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा गया। इसके लिए उन्होंने यानी अंग्रेजों ने सभी शासकीय संस्थानों में, शासकीय संस्थान यानी सरकारी संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए यानी रिकॉर्ड रूम बनवाए। तहसील के दफ्तर यानी कि ब्लॉक में, कलेक्टोरेट यानी कि जिला में, कमिश्नर के कार्यालय यानी कि कमिश्नरी में, प्रमंडल में, प्रांतीय सचिवालय माने किसी स्टेट के सेक्रेटारिएट में, कचहरी यानी कि कोर्ट में, सभी जगह क्या बनाए गए? रिकॉर्ड रूम बनवाए गए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार जरूरी है, वो आज भी जरूरी है बच्चों। और अब अगला और अंतिम सवाल है बच्चों, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में हैं क्या क्या, जैसे कि बहुत सारे देश भर में अनेक किले हैं, मकबरे हैं, जो प्राचीन शिलालेख हैं, अशोक स्तंभ इत्यादि हैं, है ना। उसी तरह से महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहाँ मंदिर हैं, उड़ीसा में है, दक्षिण भारत में चले जाइए, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो कि आपको, जिसके माध्यम से आप इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो विदेशी यात्री जैसे फाइयान या ह्वेनसांग या मेगास्थनीज वगैरह जो भारत आए, मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हैं, जो इंडिका जिसने लिखा था, तो उनके द्वारा जो कृति, उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वो भी हमारे लिए इतिहास का स्रोत है। उसके बाद बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, और अभिलेखागार में रखे हुए रिकॉर्ड भी हैं, और इसके अलावा जो सर्वेक्षण से जो रिपोर्ट आते हैं वो भी हैं। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा इस पहले चैप्टर के प्रश्नोत्तर को, और मैं पुनः आपको कहूँगा बच्चों कि रटने की प्रवृत्ति से हमें दूर होना है, और समझने की प्रवृत्ति जिसमें कि तार्किक समझ होना चाहिए और विश्लेषणात्मक दृष्टि होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों।